हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हो टेक्नीशियन सोनू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप वीडियो को पूरा देखना, ठीक है फ्रेंड। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। फ्रेंड, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक पुराना डीवीडी को कैसे ब्लूटूथ करना है, ठीक है फ्रेंड। आप वीडियो को देखते रहिए। देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक पुराना डीवीडी है, आपके पास भी ऐसा डीवीडी हो सकता है, ठीक है। मैं इसे ब्लूटूथ करके दिखाऊंगा और फ्रेंड बहुत ही अच्छा इसका साउंड भी बनने वाला है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, आपको मार्केट से सबसे पहले इस तरफ सा एक आपको लेना है ब्लूटूथ मॉड्यूल, जो मार्केट में बहुत पॉपुलर है फ्रेंड, और इसके साथ एक रिमोट भी आपको मिलेगा, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है, लगभग हर एम्पलीफायर में यही यूज़ होता है आज के ज़माने में, ठीक है फ्रेंड। और इसका रिमोट भी बहुत अच्छा है, और इसके साथ आपको कुछ वायर भी मिलेगा जो इसे कनेक्ट करने में आपको हेल्प होगा, ठीक है। तो फ्रेंड, मैं इस ब्लूटूथ को लगाऊंगा यहाँ पर। हाँ फ्रेंड, जहाँ से हमारा डीवीडी का कैसेट निकलता था वहाँ पर ही हम इसे लगाएंगे। तो फ्रेंड, मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा, अब बस वीडियो को पूरा देखते रहिए फ्रेंड, और आप भी सीख जाओगे, ठीक है। फ्रेंड, मैंने इसका ऊपर का जो ढक्कन है और जो इसके स्क्रू थे, मैंने उसे खोल लिया। अब देखिए, मैं इसके ऊपर का ढक्कन मैंने खोल लिया, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो था ना हमारा कैसेट सिस्टम था, मैंने उसे पहले ही खोल दिया, क्यों उसका कोई काम नहीं है, ठीक है, वो कोई काम की नहीं है फ्रेंड, मैंने इसलिए उसे हटा लिया। और इसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा है ना, ये हमारा पार्ट सेक्शन है। हाँ फ्रेंड, इसके हमें ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए, ये हमारा वीडियो है फ्रेंड, हमें वीडियो का भी कोई काम नहीं है, और इसका जो ऑडियो ये वाला है, हमें सिर्फ ऑडियो और इसका पार्ट सेक्शन हमें ज़रूरत है फ्रेंड। और देखिए, इसका जो मेन लीड है ये भी लगभग सही है, फिर भी मैं आपको सब कुछ चेक करके दिखाऊंगा, क्यों ना फ्रेंड। ये जो पुराना है ना, ये कुछ भी ख़राब हो सकता है, मुझे भी नहीं पता क्या ख़राब है क्या अच्छा है, ठीक है, आप देख लीजिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको एक ब्रश लेना पड़ेगा। हाँ फ्रेंड, आपको ब्रश से इसके ऊपर जितने भी धूल मिट्टी है उस सबको आपको बारी बारी से आपको साफा करना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आप बिल्कुल ऐसे ही करना, ठीक है। और देखिए फ्रेंड, मैंने साफा भी कर लिया, और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड, मेरा तो लगभग पूरा क्लीन हो गया। अब मैं इसके बारे में आपको बारी बारी से थोड़ा डिटेल्स देता हूँ कि हमारा कौन सा सेक्शन क्या काम है। अब देखिए, बिल्कुल ये हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, ये हमारा जो है ना, मैं आपको घुमा कर थोड़ा दिखाता हूँ। ये हमारा जो छोटा वाला बोर्ड है फ्रेंड, ये हमारा 6283 का बोर्ड है, ऑडियो बोर्ड, और ये स्टीरियो है, मतलब दो स्पीकर बजेगा। और ये वाला आपको वायर दिखाई दे रहा है ना, हाँ फ्रेंड, ए वाला, ये जो रेनबो वायर है, इसे बहुत सारे कलर है इसलिए इसे रेनबो कहते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारा 4 वायर गया है स्पीकर आउटपुट में, और हमारा 2 वायर है जो हमारा बैटरी का इनपुट सेक्शन, हाँ फ्रेंड, जहाँ से हम इससे बैटरी से भी हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा 4 जो है हमारा स्पीकर आउटपुट में, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और ए वाला जो आप वायर देख रहे हो ना, ये भी रेनबो वायर है, ये वायर हमारा गया है हमारा ए पैनल पर। हाँ फ्रेंड, यहाँ पर जो पैनल है ना, ये पैनल पर गया है, और ये हमारा वॉल्यूम का कनेक्शन है फ्रेंड। सामने से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये हमारा वॉल्यूम का जो कनेक्शन होता है, और इसके बाद ये जो हमारा बेस स्टेबल भी कनेक्शन यहाँ से होता है फ्रेंड, और ये हमारा मेन बोर्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। और इसके बाद अब देखिए, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा फ्रेंड। आपको सबसे पहले हमारा जो मल्टीमीटर होता है उसे आपको लेना पड़ेगा, और उसे कंटिन्यूटी पर सेट करना पड़ेगा। हाँ, हमको थोड़ा कुछ चेक करके देखना होगा। इसका जो मेन लीड है ना, हमको इसके सबसे पहले इसका जो मेन लीड है, इसको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा कि इसका मेन लीड ठीक है कि नहीं। अगर आपका मेन लीड ख़राब होगा तो यहाँ पर लाइन नहीं आएगा और हमारा कुछ भी नहीं वर्क करेगा। सबसे पहले मैं इसका जो यहाँ पर जो, हाँ फ्रेंड, ये वायर हमारे यहाँ से यहाँ तक आता है, तो मैं यहाँ पर जो सिरा है मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। देखिए, मैंने एक पॉप को मीटर के दूसरे जो हमारा कॉर्ड है ना वहाँ पर लगाया, और दूसरा पॉप को मैं यहाँ पर बोर्ड पे लगा रहा हूँ। देखिए, हमारा रीडिंग आ रहा है और बीप भी मार रहा है, इसका मतलब हमारा एक वायर ठीक है। और इसके दूसरे सिरा को मैं सेम उसी तरीके से मैंने चेक किया, वही ठीक है, वो भी हमारा कंटिन्यूटी दे रहा है, इसका मतलब वो भी वायर हमारा बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद आपको देखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक एक स्विच है, ये स्विच को भी देखना पड़ेगा ये ठीक है कि नहीं। अगर स्विच भी ख़राब होगा तो आपका ये वर्किंग नहीं करेगा, यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएगा 220 हमारा, ठीक है। और इसके बाद आपको देखना पड़ेगा जो यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा ओके है कि नहीं। तो फ्रेंड, मेरा यहाँ तक पूरा ओके है, इसका मतलब हमारे यहाँ पर वोल्टेज आएगा। और इसके बाद ये जो हमारा बोर्ड है, पावर बोर्ड, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या क्या है, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर, हाँ, दो के फ्रेंड,
और फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा प्लस बड़ा, माइनस बड़ा और ग्राउंड है। इसके बाद और भी है, फाइव बोल भी है। फ्रेंड सेम इसका जो प्लस बड़ा और माइनस बड़ा हमारा ऑडियो पोर्ट पर गया है, जो हमारा मेन कैपेसिटर का प्लस और माइनस पे। और दूसरा वाला ये जो वायर देख रहे हो ना, ये वायर हमारा सीधे यहाँ से मैंने आपको पहले से जो दिखा था, हाँ फ्रेंड हमारा जो बैटरी का जो कनेक्शन है वहाँ पर गया है, हाँ पीछे वाला ए वाला देखिए, प्लस और माइनस ये हमारा मेन फिल्टर से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब आप इसे 12 वोल्ट के एक बैटरी से ऑपरेट कर सकते हो। और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक छोटा सा आईसी आपको दिखाई देगा, छोटा वाला आईसी है तीनों पिन का। इसका जो फर्स्ट पिन होता है, इसका फर्स्ट पिन 12 वोल्ट इनपुट होता है, सेकेंड पिन ग्राउंड होता है, और इसका जो लास्ट वाला पिन है ना वो इसका आउटपुट होता है। हाँ फ्रेंड इसका इनपुट पे आप 12 वोल्ट दोगे और आउटपुट में आपको मिलेगा 5 वोल्ट। 5 वोल्ट हमें बहुत ज़रूरत है फ्रेंड, क्यों ना 5 वोल्ट हमें लगेगा, क्यों ना हमारा जो मॉड्यूल है वो हमारा 5 वोल्ट में वर्किंग करता है। देखिए और इसका जो ब्लैक वाला जो वायर है यहाँ से यहाँ तक लगा है, जो हमारा 5 वोल्ट के साथ कनेक्शन है। इधर बस साइड पर आप देखिए ये पूरा आपको हर जगह आपको 5 वोल्ट मिलेगा। और ये जो ब्लैक वाला जो वायर है इसके साथ अंदर से हमारा ये जो आईसी के साथ हमारा कनेक्शन है, ठीक है। देखिए इसका लास्ट पिन ब्लैक है। और देखिए सेम इसी तरह यहाँ से भी आपको दो वायर दिया गया है, एक प्लस और एक माइनस का 5 वोल्ट। हाँ ये 5 वोल्ट हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगा जो हमारे ये मॉड्यूल को ऑन करने में। अब देखिए मैं आपको आगे क्या दिखाता हूँ। ये 5 वोल्ट सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि हमारा 5 वोल्ट सिंपल इसका प्लस और माइनस में लगेगा। उल्टा लाओगे तो हो सकता है आपका कार्ड ख़राब भी हो सकता है, आपको ध्यान रख के लगाना पड़ेगा। और 5 वोल्ट है ये आपको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। 5 वोल्ट अगर कम है तो ये हमारा वर्किंग नहीं करेगा। और पेंट यहाँ पर आप देखिए हमारा जो मेन वाला सेक्शन है इसका कोई काम नहीं है, आप इसके सारे वायर काट दीजिए, इसका कोई काम ही नहीं है। आप हाँ हमें करना है यहाँ पर आपको कटिंग करना पड़ेगा। हाँ हमारा जो मॉड्यूल आएगा ना हमारा यहाँ पर, आपको यहाँ पर कटिंग करना पड़ेगा तभी हमारा मॉड्यूल लगेगा। तो आपको किस तरफ से कटिंग करना है आप देखिए, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या करना है सब कुछ मतलब, ठीक है। आपको इस तरफ से एक पुराना ब्लेड लेना है, जो हमारा हेक्सा ब्लेड होता है ना वो वाला, आपको इस तरफ से ब्लेड से ऐसे ऐसे काटना पड़ेगा। ये थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन ज़्यादा भी नहीं हो जाए आपका। देखिए मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ आपको पहले इस तरफ से थोड़ा काटना पड़ेगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने इस तरफ से मैंने इसे पूरा काट लिया, थोड़ा मैंने वीडियो को स्किप किया क्यों ना टाइम बहुत लगता है, मतलब 2 से 5 मिनट लग जाएगा, ठीक है। और देखिए ये बिल्कुल फिटिंग भी हो गया, बहुत ही अच्छे से फिटिंग हो गया। और इसके बाद आपको जो भी करना है मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगा। इसको आप फेविक्विक के साथ भी चिपका सकते हो और स्क्रू से भी चिपका सकते हो। फिर मैं इसको जो हमारा स्क्रू होता है ना, स्क्रू को मैं यहाँ पर लगाऊंगा और मैं इसे इस टाइप से, आप चाहो तो एक ग्लू से भी आप इसे लगा सकते हो, लेकिन ग्लू से अच्छा आप इसके ऊपर स्क्रू से लगाइए, ठीक है। देखिए मैंने एक स्क्रू को लिया और यहाँ पर मैंने लगा दिया, तो बिल्कुल ये आसान है। और फिर मैंने एक चीज़ मैंने गलत किया, मैंने इसे लगाने से पहले इसका जितने भी वायर है हमें लगाना पड़ेगा, वरना लगाने के बाद तो आपको खोलना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको पीछे से भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या करना है, सब कुछ दिखाऊंगा। और देखिए मैंने इसे घुमा लेता हूं और देखिए हमारा बोर्ड यहां पर है, हमारा बोर्ड इसके साथ जो वायर है आपको यहां पर लगाना पड़ेगा। तो फिर आप इसे पहले लगा लीजिए, वरना थोड़ा दिक्कत होगा लगाने में, मैं भी थोड़ा गलत किया था। देखिए मैंने लगा लिया, आप पहले लगा लीजिए इसे मॉड्यूल को लगाने से पहले, वरना थोड़ा दिक्कत आपको हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो ये जो वायर है तीनों वायर, इसका मिडिल वाला हमारा ग्राउंड होता है जो हमारा यहाँ ए वाला बोर्ड पे लगेगा, और इसका दोनों साइड हमारा स्टीरियो आउटपुट होता है, ठीक है। और इसका प्लस माइनस है सिंपल, आपको इसका जो पावर वाला है इसके साथ ऐसे आपको लगाना पड़ेगा, रेड के साथ रेड और हमारा जो ब्लैक के साथ ब्लैक, आपको बस इतना ही काम करना है और ज़्यादा कुछ काम नहीं है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ आपको कैसे क्या करना है, आप देख लीजिए। हमारा यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम का जो आउटपुट होता है और जो इनपुट होता है, आपको सबसे पहले यही ढूंढना पड़ेगा कि हमारा मेन वॉल्यूम पर कौन सा इनपुट आ रहा है। हाँ फ्रेंड इसके ऊपर देखिए जो वाइट वाला और आपको जो जो हमारा ब्लू वाला वायर है, और देखिए ये हमारा मदरबोर्ड से आता है, जो कि हमारा ये दोनों वायर, आपको ये दोनों वायर हमारा मदरबोर्ड से आता है। हाँ फ्रेंड यहाँ पर ही हमारा इनपुट होगा, यहाँ पर हम इनपुट देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा मेन बोर्ड से जो हमारा इसके अंदर से आया है, देखिए पावर सेक्शन के नीचे से। हाँ ये जो दोनों वायर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वाइट और जो ब्लू वाला वायर, यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, आपको दोनों वायर के जो हमारा जो लेफ्ट और राइट अगर आप बजाना चाहते हो तो दोनों दीजिए,
अगर आप नहीं चाहते हो तो आप एक भी सिग्नल दे सकते हो, लेकिन आप दोनों सिग्नल दीजिए, ठीक है, लेफ्ट और राइट। हमारा जो ब्लूटूथ कार्ड से जो 3 वायर आते हैं, दोनों साइड का दोनों वायर आप यहाँ पर लगा दीजिए, और मिडिल का वायर आपको सिंपल ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, जो हमारा मेन बोर्ड में जो माइनस है उसके साथ आपको करना है। देखिए मैंने कैंची लिया है और मैंने इसके ऊपर जो इसका जो ऊपर का जो प्लास्टिक को मैंने हटा लिया, और अब सिंपल आपको करना है इसके साथ, ये जो देख रहे हो ना मिडिल के साथ, मिडिल हमारा ग्राउंड है, और इसके दोनों साइड के साथ आपको इस टाइप से आपको कनेक्शन करना है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखते जाइए वीडियो को पूरा। तो फ्रेंड ये हमारा जो डीवीडी है बहुत ही अच्छा, इसका साउंड भी होता है, लगभग आप 4 इंच करके 2 स्पीकर बजा सकते हो, 6 इंच करके भी आप 2 स्पीकर बजा सकते हो, और वो भी 5 वाट का आप बजा सकते हो, और 4 ओम में, ठीक है। तो आप यही बजाइए तो आपका ये बहुत ही दिन ज़्यादा भी चलेगा और बहुत ही अच्छा भी चलेगा, और इसका साउंड भी अच्छा है। ब्लूटूथ से भी आप बजा सकते हो, और आप इस पर पेन ड्राइव से भी आप बजा सकते हो, ठीक है। देखिए मैं आपको जैसे कनेक्शन दिखा रहा हूँ आप सेम टू सेम ऐसा ही करना, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका, फिर आप देख लीजिए आपके डीवीडी में भी ऐसा ही होगा। आपको सिर्फ वॉल्यूम का जो इनपुट है उसे ढूंढना पड़ेगा, उस इनपुट पर अगर आप इस कार्ड का आउटपुट दे दोगे बस हमारा बोर्ड से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे क्या करना है, देख लीजिए आप बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक आपको इस तरफ से आपको कनेक्शन करना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, आप इसके ऊपर जो हमारा जो दूसरा वाला जो दोनों वायर है, एक है हमारा 5 वोल्ट और इस एक वायर है हमारा जो हमारा ग्राउंड है, मतलब 5 वोल्ट और ग्राउंड आपको देना है। जो हमारा दोनों वायर मैंने आपको पहले से दिखा रहा था, ये जो दोनों वायर आपको ये देख कर लगाना पड़ेगा कौन सा प्लस कौन सा माइनस है। देखिए इसके ऊपर जो रेड है वो हमारा प्लस होता है, और जिसके ऊपर व्हाइट है वो हमारा माइनस होता है। देखिए मैंने सिंपल इसके 5 वोल्ट के साथ, देखिए हमारा जो पहला वाला जो 5 वोल्ट मैंने जो आपको दिखाया था वो 5 वोल्ट के साथ इसको कनेक्शन करना है, ठीक है। आपको 5 वोल्ट सबसे पहले मेजरमेंट करना है मीटर से, 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। 5 वोल्ट से अगर ज़्यादा आएगा तो आपका आपका जो ब्लूटूथ पैनल है वो जल जाएगा, इसलिए आपको सबसे पहले 5 वोल्ट देखना पड़ेगा। तो फिर मैंने देख लिया है मेरे यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है, मैंने और आपको दिखाया ना है कि वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला है, इसलिए लंबा वीडियो आपको पसंद नहीं है इसलिए मैंने और देखा नहीं, आप देख लीजिए एक बार। तो फिर ठीक ही होगा लगभग, ये ख़राब नहीं होता, फिर भी आप एक बार देख लीजिए 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं मीटर से। मीटर को जो हमारा 20 वोल्ट होता है उस पर सेट कीजिए और देख लीजिए 5 वोल्ट आता है कि नहीं। तो फिर ठीक है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई डाउट ना रहा है फ्रेंड। देखिए मैंने 220 का बोल लिया और इसका प्लग को मैंने इन कर दिया, मैं आपको दिखाई देता हूँ। अगर आप कहोगे मैंने नहीं दिखा कुछ और ही आ रहा है, लेकिन नहीं फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ। और फ्रेंड यहाँ पर आप बिल्कुल भी मत टच कीजिए, आपका जान चला जाएगा, क्यों नहीं, यहाँ पर हमारा 220 वोल्ट है, आपको थोड़ा सावधानी से देखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए फ्रेंड मैं आपको थोड़ा सावधानी से दिखा रहा हूँ। फ्रेंड आपको जो हमारा मीटर है, हमें मीटर की ज़रूरत पड़ेगा तभी हम वोल्टेज को चेक करेंगे, और मैंने इसे 200 बार सेलेक्ट किया, आप 20 बार भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद इसका जो प्लस और माइनस दोनों जो हमारा वो ऑफ होता है, आपको सिंपल इसका जो मैंने 5 वोल्ट दिखाया था यहाँ पर आप टच कीजिए तो आपको कुछ वोल्टेज दिखा। देखिए मैंने इसका लाइन को मैंने ऑन कर दिया, और इसके बाद आप देखिए इसका जो मैं दिखा रहा हूँ, देखिए फिर हमारा कुछ वोल्टेज आ रहा है, तो हमारा 4.8 वोल्ट आ रहा है, मतलब 5 वोल्ट ही आ रहा है, थोड़ा कम, ठीक है, इससे हमारा कम चल जाएगा, 5 वोल्ट से थोड़ा कम, मतलब 5 वोल्ट ही आप इसे समझे तो हमारा पूरा ओके है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, आप बस देखते रहिए। मैंने इसका जो बोर्ड को मैंने ऑफ कर दिया, प्लग भी मैंने आउट कर दे रहा हूँ, आप देखते रहिए। मैंने मीटर को भी बंद कर दिया, और देखिए मैं आपको क्या दिखाता हूँ, हमारा जो 5 वोल्ट का जो वायर है उसको मैं कनेक्शन करके मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से करना है। मैंने मीटर को साइड कर रहा हूँ। वीडियो को फ्रेंड प्लीज़ एक लाइक कर दो, लाइक करने से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, आपका एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, ठीक है फ्रेंड। आपको लाइक करने में बस 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप लाइक कर दो, ठीक है। और देखिए मैंने इसका प्लस के साथ जो इसका प्लस और इसका माइनस के साथ मैंने इसका माइनस मैंने जोड़ रहा हूँ, ठीक है, आपस में। और फ्रेंड इसके बाद आपको कैसे क्या करना है मैं दिखाता हूँ। सिंपल आपको ये देख के लगाना पड़ेगा, उल्टा लगाइए तो आपका मॉड्यूल वर्क भी नहीं करेगा, और हो सकता है आपका मॉड्यूल ख़राब भी हो सकता है। आप देख लीजिए मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ आप सेम ऐसे ही करना फिर, ठीक है, आपको यही थोड़ा देख के लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो हमारा हो गया, इसके बाद आप इसके ऊपर सोल्डरिंग कर सकते हो अगर आपके पास सोल्डरिंग है तो। मेरे पास सोल्डरिंग है इसलिए मैं इसके ऊपर सोल्डरिंग कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए सोल्डरिंग कीजिए, वरना लूज कॉन्टैक्ट होगा और आपका गाना कभी बजेगा कभी नहीं बजेगा, फिर ठोकने में बजेगा, ऐसा हो सकता है।
इसलिए आप इसके ऊपर अच्छे से सोल्डरिंग कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ फ्रेंड। और फ्रेंड आपको कैसे सोल्डरिंग लेना है अगर आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट करना, मैं सोल्डरिंग के बारे में आपको एक वीडियो दे दूँगा जो आपको कौन सा काम करने के लिए कौन सा सोल्डरिंग लेना है, ठीक है, और कौन सा बैंड का भी लेना है, कितना वाट का भी लेना है, मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। और इसके ऊपर हमको इस तरफ से टेप लेना है, तो मैंने इसके ऊपर टेप ले लिया। एंड आपको टेप को अच्छे से लगाना पड़ेगा, कोई बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो, ठीक है। तो मैं भी टेप लगा रहा हूँ, अब देखिए मेरा टेप भी लगाना हो गया। इसके बाद हमें चाहिए एक 4 इंच का स्पीकर। फ्रेंड आपको 4 इंच का मैंने एक स्पीकर ले लिया, और इसका जो इनपुट है मैंने इसका जो आउटपुट से मैंने कनेक्ट कर दिया, हमारा जो एम्पलीफायर का जो आउटपुट है। आप इससे 2 स्पीकर बजा सकते हो, लेकिन मेरे पास एक ही है तो मैंने एक ही लगाया। और इसका कनेक्टर खराब था, पीछे से पुराना है इसलिए खराब है, मैंने सिंपल इसका दोनों सिरा पर एक स्पीकर लगा दिया, और दूसरा स्पीकर आप यहाँ पर लगाइए, आपके पास अगर 2 स्पीकर है तो मेरे पास एक ही है इसलिए मैंने एक ही लगाया। और फिर मैं आपको साउंड टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, बस वीडियो को देखते रहिए फिर। और इसका साउंड भी अच्छा है, कोई फेक नहीं है, ठीक है, जो रियल है मैं वही आपको दिखा रहा हूँ, क्यों ना फेक बनाने का कोई मकसद मेरा नहीं है। तो देखिए मैंने 220 का बोल ले लिया, और मैंने प्लग इन भी कर दिया। देखिए फिर ये थोड़ा टाइट है, पुराना है, तो फिर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सुई जान करके, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा बारी बारी से। फिर मैंने इसका स्विच भी मैंने ऑन कर दिया है, देखिए लगता है मेरा मॉड्यूल पर वोल्टेज आ गया। देखिए फिर लगता है बिजली चला गया, फिर मेरे एक बार बिजली चला गया था इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं आया। मैं फिर से कोशिश करता हूँ, फिर रुकिए, तो फिर मेरा लगभग बिजली आ गया, मैं थोड़ा चेक करके आया तो मेरा बिजली आ गया। फिर देखिए तो फिर मेरा बिजली आ गया, मैं स्विच भी ऑन कर दिया। देखिए फिर हमारा मॉड्यूल पे स्विच, जो हमारा मॉड्यूल पर सिग्नल है वो भी हमारा आ गया। और फिर यहाँ पर जो आपको लग रहा है मेरा डिस्प्ले ऐसे ब्लिंकिंग कर रहा है, नहीं फिर कैमरा में ऐसा लगता है, लेकिन ये मेरा मॉड्यूल बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ठीक भी दिखाई दे रहा है। और फिर मैं आपको एक गाना प्ले करके दिखाता हूँ, रुकिए मैं आपको एक फ्री कॉपीराइट सॉन्ग में आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो मैंने एक फ़ोन ले लिया जो मेरा सैमसंग का है, आपके पास कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल मुझे क्या करना है फ्रेंड, मुझे इसका ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा। ब्लूटूथ मैं अगर नहीं ऑन करूँगा तो मुझे ये ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं होगा, तो मुझे ब्लूटूथ से मैंने इसे कनेक्ट भी कर लिया। और मैं एक फ्री कॉपीराइट सॉन्ग आपको प्ले करके दिखाता हूँ, रुकिए मैं इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। अब देखिए फ्रेंड मेरा स्पीकर लगभग चल रहा है, बहुत ही अच्छा साउंड है फ्रेंड इसका। आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा कि मैं अलग से एडिट करके कोई सॉन्ग दे रहा हूँ, नहीं फ्रेंड यही हमारा गाना बज रहा है, बहुत ही अच्छा बज रहा है। मैं आपको इसके ऊपर कुछ कंपोनेंट देकर दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड ये बहुत ही तेज बज रहा है फ्रेंड, मैंने इसका वॉल्यूम 50% भी नहीं किया फ्रेंड, कोई फेक नहीं फ्रेंड, बिल्कुल 100% रियल है, बहुत ही अच्छा बज रहा है फ्रेंड ब्लूटूथ से, ठीक है, कोई फेक नहीं है, मैंने कोई चिप भी नहीं लगाया, मैंने आपके सामने ही ब्लूटूथ लगा के दिखाया फ्रेंड। फ्रेंड ये तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्किंग कर रहा है। आपके पास भी अगर इस टाइप का पुराना डीवीडी है तो आप उसे मत फेंकिए, इस टाइप से आप ब्लूटूथ बना लीजिए और गाना सुनिए, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज का वीडियो लगभग इतना ही, वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो, आपके 1 लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, प्लीज़ फ्रेंड लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बाय।